Hey, hello everyone. Welcome back to my channel, Messed Up. मैं हूँ आपकी दोस्त शिखा और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक वॉल क्लॉक का आइडिया जिसे मैंने एक पुराने पैन के ऊपर बनाया है। सेम आइडिया से आप किसी भी बेस के ऊपर इस तरह की क्लॉक बना सकते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दें जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना वीडियो शुरू करते हैं। क्लॉक बनाने के लिए आप किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक डोसा पैन है जिसकी नॉनस्टिक कोटिंग अब धीरे धीरे रिमूव होने लगी थी, जिसके वजह से मैंने इसे यूज़ करना बंद कर दिया था। आज की क्लॉक हम इसी पर बनाएंगे। सो मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसके सेंटर पर मार्क करके एक होल ड्रिल कर लिया है जहाँ पर हम अपने क्लॉक के हैंड्स और मशीन को फिक्स करेंगे। चलिए इस पर अपना डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस पर एक कोट जेसो का अप्लाई किया है। तो जेसो अप्लाई करना यहाँ ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ वाइट एक्रेलिक कलर के दो कोट्स भी कर सकते हैं। पर जेसो अप्लाई करने से आपके जो पेंट्स हैं यहाँ बहुत अच्छे से स्टिक होते हैं और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। आप यहाँ पर होममेड जेसो भी यूज़ कर सकते हैं जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर की है। जैसो की लेयर अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद हम इस पर एक कोट वाइट एक्रेलिक कलर का अप्लाई करेंगे। ऐसा करने से हमें एक स्ट्रॉन्ग वाइट बेस मिल गया है जिसके ऊपर हम अपना डेकोपाज टेक्निक करेंगे, जिसके लिए मैंने इस तरह का एक नैपकिन पेपर लिया है। दिस नैपकिन पेपर इज़ फ्रॉम माई फेवरेट क्राफ्ट स्टोर क्राफ्ट एरिया। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। तो अपना रिक्वायर्ड डिज़ाइन हम यहाँ से कट करेंगे, जिसके लिए मैंने पानी का यूज़ किया है। आपको ब्रश में थोड़ा सा पानी लेकर इस तरह लगाना है और नैपकिन पेपर बहुत ही आसानी से इस तरह यहाँ पे फट जाएगा। ऐसा करने से जो एजेस हैं वो थोड़ी सी रफ़ हो जाएंगी, जिन्हें बैकग्राउंड में मर्ज करने में आसानी होगी। जितनी भी शार्प एजेस हैं उन्हें भी हम यहाँ फाड़ लेंगे, उसके बाद हम इसे अपने बेस के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। सो इसे पैन पर ट्रांसफ़र करने से पहले हम इसकी बैक साइड की लेयर्स को रिमूव करेंगे और सिर्फ टॉप लेयर को ही हम यहाँ पर स्टिक करेंगे। तो स्टिकिंग के लिए मैं यहाँ पर डेको मैजिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी, इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप यहाँ पर मॉड पॉज यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर फेविकॉल और वाटर 1:1 में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। हम थोड़े से एरिया में यहाँ ग्लू लगाएंगे, उसके बाद केयरफुली अपने नैपकिन पेपर को यहाँ पर स्टिक करेंगे। ऐसा करने से रिंकल्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। आपको यहाँ काफ़ी पेशेंस के साथ काम करना है क्योंकि हमारा जो टिश्यू पेपर है वो बहुत ही डेलिकेट है। अगर आपने इसे एक बार स्टिक कर दिया तो ये रिमूव करने में फट सकता है। थोड़े बहुत एयर पॉकेट्स और रिंकल्स को रिमूव करने के लिए आप इस तरह से एक पॉली बैग यूज़ कर सकते हैं। अपने फिंगर्स और नेल की हेल्प से आप धीरे धीरे इन्हें आसानी से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने डिज़ाइन को सील करने के लिए एक कोट ग्लू का अप्लाई करेंगे। तो हमारा डेकोपाज वर्क अच्छे से ड्राई हो गया है, इसके बाद हम इसके बैकग्राउंड को पेंट करेंगे, जिसके लिए मैंने इस तरह के चॉक कलर्स लिए हैं। इनके शेड्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं जैसे कि मेरे नैपकिन पेपर के बैकग्राउंड में हैं। आपको भी यहाँ पे वही कलर्स चूज़ करने हैं जो आपके डिज़ाइन के बैकग्राउंड में हैं। तो मैंने थोड़ा सा कलर यहाँ अप्लाई कर दिया है, उसके बाद स्पॉन्ज की हेल्प से डैब करते हुए मैं इन कलर्स को मिक्स कर रही हूँ। आपको अपने डेकोपाज नैपकिन पेपर के कलर्स के अकॉर्डिंग अपना बैकग्राउंड यहाँ पेंट करना है। सो पैन की एजेस को पेंट करने के लिए मैंने ये ब्राइट पिंक कलर यूज किया है। और स्पॉन्ज की हेल्प से मैंने इसे टॉप डिज़ाइन के साथ भी थोड़ा सा मर्ज कर दिया है।
उसके बाद हम इस पर करेंगे थोड़ा सा स्टेंसिल वर्क, जिसके लिए मैंने ये ब्यूटीफुल सा स्टेंसिल लिया है। दिस स्टेंसिल इज फ्रॉम Amazon, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। तो स्टेंसिलिंग करने के लिए मैंने यहाँ लिटिल बर्डी का मिक्स मीडिया पेस्ट यूज़ किया है और हमें रिक्वायर होगी एक पैलेट नाइफ। आप यहाँ पे होममेड टेक्सचर पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ नेम प्लेट वाले वीडियो में शेयर की थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टेंसिल को इस तरह से हम एक जगह पर फिक्स कर देंगे और इस तरह से अपना पेस्ट अप्लाई करेंगे। आपको यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, अदरवाइज जो हमारा पेस्ट है वो इधर उधर स्पिल हो जाएगा और आपका डिज़ाइन उतना अच्छा बनकर नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारा जो स्टेंसिल वर्क है वो कंप्लीट होता है और इसे बहुत अच्छे से हम ड्राई कर लेंगे और स्टेंसिल वर्क के बाद हमारा डिज़ाइन और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये वाटर कलर्स लिए हैं, जिनकी हेल्प से मैं यहाँ अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा और एनहांस कर रही हूँ। दिस स्टेप इज टोटली ऑप्शनल, अगर आपका डिज़ाइन काफ़ी ब्राइट है और आपको टचअप की ज़रूरत नहीं लग रही है तो आप ये स्टेप छोड़ सकते हैं। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, पहले में और अब में काफ़ी ज़्यादा फर्क आ गया है। सो सेम कलर्स यूज़ करते हुए मैंने कुछ खाली जगहों पर लीव्स और फ्लावर्स पेंट कर दिए हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे आउटलाइन भी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये शार्पिया का परमानेंट मार्कर यूज़ किया है। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, अगर आप कोई परमानेंट मार्कर आउटलाइंस के लिए ढूंढ रहे हैं तो आप इस मार्कर को ट्राई कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा डिज़ाइन फाइनली कंप्लीट हो गया है। अपने पूरे वर्क को अच्छे से सील करने के लिए मैं यहाँ वार्निश का यूज़ कर रही हूँ। ये लिटिल बर्डी की मैट फिनिश की वार्निश है, आपके पास जो भी वार्निश है उसे यूज़ करके अपने वर्क को आप यहाँ सील कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ क्लॉक के नंबर्स स्टिक किए हैं, जिसके लिए मैंने ये एक्रेलिक न्यूमरल्स यूज़ किए हैं। दिस इज़ फ्रॉम क्राफ्ट एरिया, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ अपने पैन के हैंडल को पेंट करेंगे, जिसके लिए मैंने स्प्रे पेंट का यूज़ किया है। स्प्रे पेंट यूज़ करने से पहले हम अपने डिज़ाइन को अच्छे से यहाँ कवर कर लेंगे। तो अपने पैन को आउटसाइड ले जाकर मैंने स्प्रे पेंट कर लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे जो बचा हुआ पोर्शन है उसे भी पेंट कर रही हूँ। तो आवर्स को डिनोट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये हाफ कट पर्ल्स यूज़ किए हैं। तो चलिए अब अपनी क्लॉक को यहाँ फिक्स कर लेते हैं। तो इसे लगाना बहुत ही आसान है, आपको सामने लगे हुए रिंग को यहाँ से हटाना है और बैक साइड पर मशीन रखने के बाद इस रिंग को दोबारा से फिक्स कर देना है। क्लॉक के हैंड्स लगाना काफ़ी आसान है, आपको बस इनका ऑर्डर सही रखना है एंड मेक श्योर इनके बीच में थोड़ा सा गैप हो, जिसकी वजह से इन्हें चलने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हमारी जो क्लॉक है वो कंप्लीट हो गई है। लास्ट में हम इसमें बैटरीज डालेंगे, जिससे हमारी क्लॉक काम करने लगेगी। तो ये एक्रेलिक नंबर्स की जो ऊपर की लेयर्स हैं इन्हें मैंने रिमूव कर दिया है। सो अगर आप इस तरह के नंबर्स यूज़ करते हैं तो ये लेयर आप लास्ट में ही रिमूव करें। तो आप देख सकते हैं लेयर्स रिमूव करते ही इनके ऊपर कितनी अच्छी मिरर फिनिश आ गई है। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। बैटरीज इंस्टॉल करने के बाद हमारी क्लॉक कुछ इस तरह से चल रही है। अगर आप कुछ भी सिमिलर प्रोजेक्ट ट्राई करते हैं तो उसे आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज मेस्टअप क्राफ्ट। ये वॉल क्लॉक बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया एंड आई होप आपने भी वीडियो को उतना ही ज़्यादा इंजॉय किया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।